पे सेटिंग होती है। गुरु जी 13वां दिन है और आज 175.19 करोड़ रुपए कमा लिए। अभी तो विदेशों में तो अभी स्टार्ट हुई है, कहां तक जाएगी आपकी मूवी? पहले तो सबका बहुत बहुत स्वागत सत्कार और सबको आशीर्वाद। कहां तक जाएगी ये तो कंपनी जाने इस मामले में, लेकिन हमसे पूछो तो यहां तक हम चाह रहे थे, ये दो स्टेप उससे आगे जा रही है। हम जिस भी जगह पे गए हैं, नौजवानों को डायलॉग बोलते देखा है, और जो हमारी बड़ी इच्छा थी, दिल में एक ख्याल था कि अगर नौजवान इसको बोलेंगे तो आगे उनके दिमाग में भी आएगा। बहुत सारे डायलॉग बोल रहे हैं, एक डायलॉग जो है कि अगर आप नौजवान हैं, अगर आप मर्द हैं, तो माता बहनों की इज्जत बचाना आपका कर्तव्य है, लूटना तो कायरों का काम है। तो बच्चों को ये बोलते सुना हमने, हम जिस भी थिएटर में गए, जहाँ जहाँ भी गए, तो बड़ी खुशी हुई कि आज ये बोल रहे हैं, क्योंकि जो डायलॉग चल रहे थे उनके साथ साथ वो लोग रिपीट कर रहे थे, तो बड़ी खुशी हुई कि इनके दिमाग में आज बैठ गया, तो कल को इस पे ये लोग अमल भी करेंगे। और यही हम चाह रहे थे कि हमारे समाज में यूथ जो है वो इज्जत बचाने में अगर आगे आएगा तो किसी की ताकत नहीं है कि इज्जत पे आँच भी आ जाए हमारी माता बहनों की, तो यही हम चाह रहे थे। और ऐसे सभी डायलॉग बच्चों को बोलते देखा, इंजॉय करते देखा, और इसीलिए ये फिल्म बनाई थी। तो हमारा जो टारगेट था, ये फिल्म उसकी तरफ बढ़ रही है। कंपनी का जो टारगेट है वो कहाँ तक है उनका वो जाने। जी कंपनी के लोग तो ऑलरेडी बहुत खुश हैं और आपको लगातार साइन पे साइन किए जा रहे हैं, साइन पे साइन किए जा रहे, लगातार प्रोजेक्ट दे रहे हैं। आप आने वाली फिल्म भी अभी शुरू करने वाले हैं, कांग्रेचुलेशन, सबसे पहले बधाई हो आपको, इतनी बड़ी ताबड़तोड़ सफलता आपको तीसरी मूवी की लगातार मिली है। नो द हाउस इज ओपन फॉर द मीडिया, यू कैन आस्क द क्वेश्चन रिगार्डिंग द फिल्म। थैंक यू वेरी मच। जो ये जश्न मिल रहा है, हम पूरे समाज को, नौजवानों को, और सबसे ज़्यादा उस भगवान को जिसने हमसे ये काम करवाया। माइक नहीं चल रहा। टेक्निकली फिल्म मेकिंग कहाँ से सीखा आपने? जी फिल्म मेकिंग की यहाँ तक बात है कि हम पहले जो भी कार्य करते थे इंसानियत की भलाई के, जैसे हमने शास्त्राम जी की नेशनल फोर्स विंग बनाई, गुजरात में भूकंप आया, उड़ीसा में जब समुद्री तूफान आया, तो हम लोग HD कैमरे पे वो वीडियो वगैरह बनाया करते थे। तो ऐसा माइंड में कुछ अलग से नहीं था, ये था कि हाँ अगर हम खुद ऑपरेट करते थे कैमरे को, लाइट को देखना, हर चीज़ और डायरेक्शन देना, तो ऐसा कुछ मुश्किल लगा ही नहीं। जब फिल्म बनाने लगे तो आम सी बात लगने लगी। इस बार डायरेक्टर डुओ थे आपके बेटी के साथ, तो कुछ मतभेद हुए या कभी ऐसा कुछ हुआ? ऑन द सेट ऐसी चीज़ें होती रहती थोड़ी थोड़ी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब, लेकिन फिर भी अगर देखें तो हमारी केमिस्ट्री बाप बेटी की बेहद बेहद ज़्यादा है, क्योंकि वो इशारे से समझ आते बच्चे। कई बार ये बस कभी कभार ऐसा होता था कि आजकल फ़ोन जो है तो बेटी फ़ोन पे लगी होती थी, उधर शॉट तैयार होता था, तो फिर हम कहते थे, और फ़ोन पे भी ये लोग ड्रेस वगैरह देखा करते थे कि भाई मैं कोई ड्रेस नहीं देखूं, लेकिन हालांकि हम डिज़ाइन खुद करते थे, तो लेकिन इनको होता था फिर भी मैं कुछ अलग निकालूं, तो तब कभी कभी ऐसे होता कि बेटा शॉर्ट तैयार है, तो फिर अच्छा पापा वो फ़ोन रखा, ऐसा कभी हो जाता था, और ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। गुरु जी आपसे रिक्वेस्ट, आप बैठ के थोड़ा सा। जी 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 आपने जो नया दूसरी फिल्म अभी अनाउंस की है उसके लिए थोड़ा मैं गाइड करी कि अपना कैसे क्या प्रोजेक्ट नया बनाया है, और कंटेम्पररी है वो आज का विषय है, और हर आदमी जानना चाहता है वो नई फिल्म आपकी जो नेक्स्ट फिल्म है उसके बारे में थोड़ा हमें अवगत कराएंगे। जी जी हमने जो ऑनलाइन गुरुकुल है वो तो बना दी है, वो इससे पहले तैयार हो गई थी, उसका VFX चल रहा है, बहुत बड़ी फिल्म है। लेकिन अभी जो शूट होने जा रहा है तो उसका है MSG द लायन हार्ट, हिंद का नापाक को जवाब। हिंद का नापाक को जवाब, तो मतलब कि नापाक का मतलब जो आंत की है, जो बुरा कर्म करते हैं, और वो कहीं से भी आते हो सबको पता है कहाँ से आते हैं, तो आज जो हो रहा है उस पे एक हम चोट कर रहे हैं, और जो सबूत मांग रहे हैं उनको भी बीच में लेके आ रहे हैं इस फिल्म में, उनको सबूत देंगे और बहुत सारी चीज़ें। और हमारी कोशिश यही है कि हम इसको बहुत स्पीड से शूट करें, क्योंकि ऐसे ये फिल्म 25 दिन में ही हमने तैयार कर दी थी, और कोशिश है वो फिल्म भी ऐसे ही लेके आएँ, क्योंकि जो आज मुद्दा है उसको हम दिखाना चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सर जी आप क्या, हमने सुना है कि आजकल जो हो रहा है सर्जिकल स्ट्राइक्स,
उसके बारे में आप कुछ फिल्म बनाना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल वही है ये फिल्म। टाइटल भी वही होगा? टाइटल ये है कि हिंद का ना पाक को जवाब, लायन हार्ट रहेगा, लायन हार्ट सेकंड, लेकिन साथ में ये रहेगा हिंद का ना पाक को जवाब। यानी ऑनलाइन के बाद तुरंत ये रिलीज करेंगे, ये पहला रिलीज करेंगे? अब कोशिश तो यही पहले रिलीज की है, क्योंकि ऑनलाइन गुरुकुल जो है वो तो बहुत बहुत बढ़िया है, उसमें बीएफएक्स का काम कंटिन्यू चल रहा है दिन रात, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उसको बहुत टाइम चाहिए, तो हो सकता है ये पहले आ जाए। थैंक यू। इसकी टीम के बारे में जरा बताइए सर थोड़ा, इस जो नई फिल्म आप शुरू कर रहे हैं इसकी टीम के बारे में को अपने जो साथ में आपके हैं वो बताइए। जी ये जो हम अभी किसी का वो तो फाइनल नहीं किया है, स्टोरी जो है वो हमने लिख दी थी, काफ़ी चीज़ें जो हो रही हैं उसी को लेके रखी हैं, और ये दिखाया गया है कि अगर वो छापे मार तो हम भी किसी से कम नहीं हैं, हमारे एजेंट जो टॉप सीक्रेट एजेंट में खलबली मचाते हैं और जो सबूत लेना चाहते हैं उनको आगे लेके चल रहे हैं कि आइए आपको सबूत देंगे, आज निशान भी देंगे सबूत नहीं। तो हमें लगता है कि ये और जो सेना के जवान हैं उन्हीं के बीच का एक स्टोरी है। के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। जी बहुत आपने आप देख रहा था तो जो कॉस्ट्यूम थे उस पर मेरे बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा था, तो इतने बेहतरीन और सजे धजे, इवन आपके अलावा जो उसमें ऊंट थे या ऊंट का जो हल था वो भी सजा धजा था, तो किसके सोच थी और किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया? हाँ, क्योंकि हमने सारे धर्मों पर रिसर्च किया है और हमारी ही सोच थी कि हमने जो पढ़ा हमारा कल्चर बड़ा रिच था, अगर हम ये कहें, हम कोई अहंकार के साथ नहीं कह रहे कि हम जितने भी लोग बैठे हैं कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं से हमारी कुल मिलती है, हम लोग वहीं से शुरू, हमारा कल्चर ही ऐसा था। कई नौजवानों ने पूछा, यूपी में किसी ने पूछ लिया, गुरुजी आप इतने पहनते हो, आजकल तो कोई पहनता ही नहीं है वो, हमने कहा नंगे तो आप होने लगे हो, हम तो सज धज के भी अट्रैक्ट बनते थे, आकर्षित होते थे लोग, क्योंकि ऐसा था हमारा बाणा, तो वही चीज़ सोच के, और ये राजस्थान में कल्चर था, बरसात आती थी तो उस दिन लोग ऊँटों को सजाते थे, क्योंकि वहाँ बरसात आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती थी, पूरी खेती उस पर डिपेंड करती थी, तो वही थीम माइंड में लेके हमने उसको रियल जो होता था वो लेके आए हैं। 25 दिनों में आपने फिल्म शूट की, और जब आप इस सक्सेस को देखते हैं तो वो 25 दिन याद आते हैं आपको, और कैसे याद आते हैं? जी बिल्कुल जो आपने कहा वो 25 दिन हम सारी पूरी टीम याद आती है, आज काफ़ी सज्जन हमारे यहाँ आए हुए हैं, फाइट मास्टर हैं, एडिटर साहब हैं जो आज अभी आए थे सब लोग, तो बच्चे हैं जो फाइटर हमारे साथ फाइट हम लोग करते थे, तो वो सीन ज्यों के तो इनको देखते हैं तो याद आ जाते हैं कि हाँ हम लोगों ने कितनी मेहनत की, किस तरह से दिन रात लगे रहते थे, एक सीन में हम लगातार 3-4 घंटे खड़े रहे थे, जो आपने देखा होगा सर सारे 3-4 घंटे, और जब जाके हम बैठने लगे तो ये घुटने एक बार सीधे रहे, तो फिर एक्सरसाइज थोड़ी करी फिर जाके वो हुआ, तो वो चीज़ें सब याद आती कि हाँ इतनी मेहनत और उसके बाद की मेहनत की, ये एडिट करना है उसको लगातार, ट्रेलर काटना, ये वो, तो वो चीज़ें सब याद आती और सब बच्चों की मेहनत याद आती। हिंद का नापाक को जवाब आप देने को तैयार है अगली किश्त में, तो उसमें कैसा लुक होने वाला है गुरु जी का जरा जानना चाहेंगे, क्योंकि पीछे मेरे 4-5 लुक आपके ऑलरेडी दिख रहे हैं। ओके, मैं साथ में ऐड करना चाहूंगा अपने कलीग के, क्या वजह लगी गुरुजी, हर फिल्म आपकी कोई ना कोई पैगाम लेके आती है, सोशल मैसेज कैरी करती है, सर्जिकल स्ट्राइक और जो जिस तरह का माहौल देश में है, और आपने 2-3 बार जिक्र किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिन्हें सबूत चाहिए, और क्या क्या जहन में आया कि इस मुद्दे पर फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत गरमाया मुद्दा है, पूरा देश कहीं ना कहीं बात से आहत है। जी आपने बिल्कुल सही कहा, पूरा देश इससे आहत है, और वो सेना उनके बारे में जो जागती रहती है तो हम आराम से सोते हैं, उन पे शक करना, उन पे उंगली उठाना, वो लोग उंगली उठाएं जिन्होंने कभी सेना की ABCD नहीं सीखी, कभी उनमें जाके ट्रेनिंग नहीं ली, उनको क्या पता सेना, हमारे लोग रोजाना एक दो सैनिक मर रहे हैं, कब से कभी जाके उनको कंधा नहीं दिया, और आज झट से कह दिया कि हमें सबूत चाहिए, तो बड़ा दर्द हुआ हमें भी, और हमें लगा कि हाँ ऐसा एक जवाब देना चाहिए। और यहाँ तक लुक की बात है, वो एक टॉप सीक्रेट एजेंट है जो बहुत सारे लुक चेंज करेगा, भेष बदलेगा, उनमें रहेगा जाके, वो उन्हें समझाएगा भी, और जो नहीं समझेंगे तो फिर वो जो भी होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं जब हम एजेंट की बात करते हैं कि आप किसी रॉ एजेंट की भूमिका निभाते नजर आएंगे आप, और उसी रॉ एजेंट की भूमिका निभाते दुश्मनों पे दुश्मनों को खत्म करने के लिए अलग अलग रूप और रंग में नजर आएंगे।
जी, आपने इस फिल्म में देखा होगा जो लायन हार्ट है वो इंडियन लॉयंस एक एजेंसी है, उसका एक टॉप सीक्रेट एजेंट है, तो उसी एजेंसी से मेल खाती है जो रॉस है कि वो उनके चीफ के साथ मिलके और एक प्लानिंग करते हैं और वो किस तरह से वहाँ जाके अटैक करता है, क्योंकि जब ये अटैक हुआ था आतंकवादियों पे सर्जिकल स्ट्राइक, तो उससे 6-7 दिन पहले हमने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था फिल्म के सिलसिले में, गए तो लोगों ने पूछा गुरुजी क्या हल होना चाहिए, तो हमने 3 हल बताए थे, हो सकता है आप में भी कई सज्जनों ने शायद वो सुने होंगे, कि एक तो हमारी जो सीमा है बॉर्डर है उसको बिल्कुल पैक कर दिया जाए, वो भी लगे हुए हैं, दूसरा था कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि वो हम पे आके चुपके से अटैक करते हैं, तो क्यों ना हम भी, हम मशहूर हैं, हमारे राजपूत हैं, मराठा लोग हैं, तो ये छापामार युद्ध, तो अगर वो करते तो क्यों ना हम भी छापामार युद्ध करें, तो हमें लगता है वो जो अटैक हुआ और उसके बाद वो हुआ, और उसमें गलत भी नहीं क्योंकि वो आके निर्दोषों पे छापामार युद्ध करते हैं और हम दोषियों को सजा दे के आए हैं, तो हमारे ख्याल से ये चीजें तब भी हमने बोली थी और इसी टाइप का कुछ संदेश इसमें भी लेके आएंगे, और उसमें कुछ संदेश तो होंगे। आपकी को डायरेक्टर जो है, जो आपकी बेटी है, उनसे भी थोड़ा चाहेंगे डिटेल्स पूछें कि वो क्या कंट्रीब्यूट करती हैं और किस तरह आपको हेल्प होती है उसमें, क्योंकि आप एक्टिंग भी करते हैं। जी 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 बेटा, आप अपना परफॉर्मेंस बताइए कि कैसे आप अपना कंट्रीब्यूट करती हैं और क्योंकि आप को डायरेक्टर हैं और किस तरह आपने सीखा है, ये थोड़ा हमें थोड़ा देखा, हमने काफ़ी एक्टिव है फिल्म में, हमने सीख अपना भी अपना पूरा वो जो भी अपने न्यूज अपने रील देखी है, रील में पूरा देखा हमने, आप पूरा फुली अपना इन्वॉल्व हो, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं पहले 2 मूवीज में मैंने एक्टिंग करी है, पापा ने कराई वो भी एक्टिंग, तो जब पापा ने पूछा तेरा शौक किस चीज़ में, फर्स्ट मूवी से ही मेरा शौक बिहाइंड द कैमरा था, शुरू से मुझे इंटरेस्ट था कि मैं पीछे की चीज़ें सीखूं, तो पापा कभी ऐसी चीज़ पे मना नहीं करते, जो चीज़ मैंने हम बच्चों ने कभी भी कहा तो उन्होंने अच्छी चीज़ ज़रूर हमें अलाउ की, तो पापा ने मुझे फर्स्ट मूवी से ही सिखाना शुरू कर दिया, तो ये 4th मूवी में मुझे मौका मिला पापा जी ने डायरेक्ट करने के लिए, जब कहा कि भी बेटा तू डायरेक्ट कर, क्योंकि पापा बहुत फास्ट है, तो जल्दी जल्दी पापा को कहा कि भी ज़रूर हमारा खून है तो जल्दी डायरेक्ट करेगी, तो जब पापा ने कहा कि तूने डायरेक्ट करना है, मुझे शायद 1-2 दिन पहले ही पता चला कि मुझे भी मैं डायरेक्ट करूँगी, तो मैं एक बार ऐसे कि भी पापा मैं डायरेक्ट करूँगी, तो पापा कहते क्यों नहीं बेटा, जो मैंने बोला वो सही है, तो मुझे रात को नींद ही नहीं आई कि भी मैं सुबह उठ के कैसे डायरेक्ट करूँगी, भी इतना बड़ा विज़न पापा का और मुझे वो उसको कैप्चर करना है, उसको दिखाना है, वो बहुत मुझे एक बार ऐसे शॉकिंग सा लगा, लेकिन पापा साथ थे तो मुझे बहुत ईजी भी रहा डायरेक्शन करना। गुरुजी आपसे सवाल होगा कि 2010 में विराट कोहली आपके पास आए थे और अभी हाल ही में आप उनका मैच भी देख रहे थे, हमने लाइव में भी देखा आपको, तो उस दौरान क्या हुआ, जरा अगर उस धर्मशाला के स्टेडियम से क्या हुआ, जरा अगर आप वो शेयर करना चाहें तो। 2010 में विराट कोहली आया था, उससे पहले कई बार आया था, उसकी फोटो है, वीडियो 2010 की है जिसमें उसने गुरुमंत्र लिया, हमसे टिप्स लिए बहुत सारे, क्योंकि हम खुद प्लेयर हैं, तो वहाँ धर्मशाला में जब गए तो हमने कहा भाई अगर वो मिल सकते हैं तो, लेकिन वहाँ उन्होंने बोला कि गुरुजी सॉरी ये नहीं हो सकता, क्योंकि पता नहीं कोई इल्ज़ाम लग जाता है प्लेयरों पे, कोई उनसे मिलने ही नहीं दिया जाता, शायद सट्टेबाजी का कोई चक्कर ऐसा शायद कुछ उन्होंने बोला, तो वो मिल नहीं पाए, लेकिन 1-2 बार उन्होंने देखा जरूर, क्योंकि जब टीवी पे आया है, पर वो अपने काम में मशगूल थे और हम कुछ नहीं कह सकते उन्होंने देखा भी कि नहीं देखा, क्योंकि वो तो मिले से ही पता चलता है, पर हमें जो लग रहा था तो ये कहना कि पापा अब होगा क्या, तो हमने कहा ऐसा लग रहा है कि इंडिया मैच जीतेगा, तो और वो ईश्वर ने कृपा की और मेहनत की बच्चों, और कुछ ऐसा बातचीत नहीं हुई, कोई ऐसा अट्रैक्शन या कुछ ऐसा नहीं। एक लाइन है गुरु जी की, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि, लेकिन कुछ ऐसे अपने देश में भी लोग हैं जो विभीषण का काम कर रहे हैं और जिन्हें नापाक के पाक इरादे समझ में नहीं आ रहे, उनके पक्ष में बोलते हैं, तो उनके लिए आपका क्या कहना होगा? हमें पता नहीं चलता ऐसा लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हमने सारे धर्म पढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमने सब धर्मों पे रिसर्च किया है, और हमारे धर्म कहते हैं कि जन्म भूमि से बड़ी चीज कोई नहीं होती, और माँ के कदमों में स्वर्ग जन्नत होता है ये बोला गया, और धरती को भी माँ का दर्जा दिया गया है, तो जो लोग ऐसा बोलते हैं उनकी अपनी कोई सोच होगी, अपना कोई लाभ होगा, अपना कोई फायदा होगा, हमें नहीं लगता कि किसी को ऐसा कुछ गलत बोलना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है राजस्थान में कही जाती है, जिसकी खाएं बाजरी और उसकी भरें हाजरी,
कि हम जिसका अन्न खाते हैं कम से कम उसके लिए जय जय तो कर ही सकते हैं, अगर हम कुर्बानी और नहीं कर सकते। तो हमें लगता है गलत नहीं करना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए अपने देश के बारे में। अच्छा गुरु जी, हम देख रहे हैं टाइटल्स में डायरेक्टर डू आप हैं, स्टोरी आपने लिखी है, स्क्रीन प्ले आपने लिखा है, कोरियोग्राफी भी आपने की है। ये जो अगला जो पार्ट आएगा एमएसजी सीरीज में, इसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरह का जो एक अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी आप बनाएं इस अगली सीरीज? जी जी, ऑलरेडी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, क्योंकि जैकी चैन ने सिर्फ 15 निभाए थे और हमने 30 निभाए, यानी डबल से रिकॉर्ड बना है ये। और बाकी जो आपने कहा वो तो हम पहली फिल्म से, बन मैन आर्मी हमें कहा करते थे, वो हम पहली फिल्म से ही हैं। चौथी फिल्म होगी ये, तीसरी तो बनी रही ऑनलाइन गुरुकुल, उसमें हमारे डायरेक्टर साहब थे किट्टू जी, वो भी साथ थे हम लोगों के, हम सब मिलके एक परिवार की तरह काम करते थे। तो अब जो अगली फिल्म आ रही है तो उसमें ऑलरेडी बेटी डायरेक्टर है ही है, उसमें वो साथ है, और इसमें ये एक्टिंग भी ये करेगी, क्योंकि लायन हार्ट में ये बैठी है जो कहती है सर का एक भी कदम, तो उसमें ये एक्ट कर रही है। तो नेचुरली अब लायन हार्ट का पार्ट आ रहा है, शेर दिल का तो हो गया, तो उसमें ये एक्टिंग भी कर रही है। और भी लोग काफ़ी इन्वॉल्व होंगे इसमें, टीमें होंगी, और एक हम टीवी सीरियल भी कर रहे हैं इसके साथ साथ, आन बान शान मेरा हिंदुस्तान, जिसका नाम है आन बान शान मेरा हिंदुस्तान, जिसमें लाइव होगा वो प्रोग्राम। अभी वो लोग चैनल पे बात कर रहे हैं किस पे आएगा ये तो राम जाने, वो तो कंपनी का काम है, लेकिन हमने स्टूडियो बना लिया है, सब कुछ तैयार है, वहाँ रेडी है, और उसमें बेसिकली लाइव में यूथ की जो प्रॉब्लम है वो, प्लस जो हमारे हीरोज रहे हैं, चाहे वो किसान जिसने राष्ट्रपति अवार्ड जीता हो, चाहे वो हमारे सैनिक जिन्होंने चक्र या जो भी वीर चक्र है या जो भी उन्होंने, या पद्म भूषण या जो भी लोग फील्ड में अलग अलग, तो जिन्होंने जो मेडल जीते, लेकिन आज खाने के लाले जिनको पड़े हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम लाएंगे नहीं बल्कि सॉल्व भी करवाएंगे लोगों से, तो सॉल्व करते हुए दिखाएंगे, उनकी प्रॉब्लम लेके आएंगे, और साथ में लाइव चलेगा यूथ से पूरे वर्ल्ड के। वहाँ सिर्फ टीवी ही नहीं होगा, वहाँ फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, बहुत कुछ लाइव चलेगा, सब कुछ एक साथ लाइव होगा, और जो भी सवाल आएंगे हम डायरेक्ट वहां पे उनका जवाब देंगे, उनको सोल्यूशन देंगे। तो इस तरह का एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि 7 दिन का कोशिश है कि अलग अलग दिन हो और अलग अलग दिन में अलग अलग कोई सब्जेक्ट हो, तो ऐसा एक वो लेके है ना जो लाइव चलेगा। अच्छा गुरु जी, ऐसे भी बातें हो रही थी कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं वो साथ में, आप उनके साथ में काम करने वाले, तो क्या ये जो अगली सीरीज होने वाली है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बड़े नाम शामिल हो जाएं? कुछ कह नहीं सकते, वो तो कंपनी जैसा कहेगी, हमने अभी उनको बताना है कि ये हमारे स्टोरी है और ये स्टोरी बोर्ड में ये लोग चाहिए हमें, तो वो अगर कहेंगे तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर शायद वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनका पैसा उतना दे पाती है कि नहीं, क्योंकि बड़े लोग हैं तो फिर सामान भी बड़ा ही चाहिए, तो वो उतना बड़ा दे पाएंगे कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन हमें लगता है बड़ा छोटा कोई नहीं होता, जो कर्म करता है हमारे ख्याल से वही सबसे बड़ा होता है, और जो कर्म नहीं करता वो। हेलो हेलो बाबा जी, मेरा नाम किशन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नमस्ते बाबा जी। नमस्ते बेटा, जैसे कि मैंने अभी आपका देखा कि जब आप फिल्म कर रहे थे तब उसके साथ 100 से ज्यादा आदमी काम करते हैं एक फिल्म बनाने के लिए, एक आदमी की मेहनत नहीं होती है, उसके साथ 100 लोगों की मेहनत होती है। तो हाल ही में एक फिल्म आ रही है ये दिल है मुश्किल, जो करण जौहर की फिल्म है, उसे 4 राज्यों में बैन कर दी गई है, इस तरह के आया है जो खबर, क्या आपको लगता है ये सही है कि एक क्यों बैन की गई? एक पाकिस्तान एक्टर है उस पे, तो आपको लगता है एक स्टार के लिए पूरी फिल्म को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 100 काम कर रहे हैं उस फिल्म के अंदर, और वो सब भारतीय है, तो आप क्या सोचते हैं, एक बाबा है, और आपका क्या मैसेज है इस पर आपका? हम ये तो नहीं चाहेंगे कि कोई बेरोजगार हो जाए, पर साथ में हम ये भी नहीं चाहेंगे कि कोई वो उस देश का इंसान आके हमारे पे हीरो बन के राज करे जो हमेशा आतंकवाद भेजता रहता है। हमारे हीरो की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक्टिंग की कोई कमी नहीं है, बल्कि अब तो सुनने में आया लोग बॉलीवुड में भी हमारे एक्टर जा रहे हैं, वहाँ भी छा रहे हैं, तो फिर क्यों, हमने तब क्यों नहीं सोचा कि भाई क्योंकि आतंकवाद आज से तो उस देश से आ नहीं रहा, ये तो हो नहीं सकता कि आज ही कहें जी आज ही आ गया, मैंने तो फिल्म पहले बनाई थी ना, बनाने वाले को सोचना चाहिए था ये आतंकवाद तो कब से चला आ रहा है, तब क्या उनकी आंखें बंद थी, उनको सोचना चाहिए था तब कि यार मैं उनका क्यों ले रहा हूं बंदा, कल को मेरे पे नुकसान हो जाएगा, तो हमें लगता है ऐसे इंसान को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए उन लोगों की,
बाकी तो भाई आप लोग जानो क्या समीक्षा करते हैं। बाबा जी डायरेक्टर साहिबा से पूछना चाहूंगा क्योंकि एक अभी जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह का जिक्र होने वाला है और बहुत से लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई उसका सबूत दीजिए, तो आपने कितनी डिटेल स्टडी करी है इस सब्जेक्ट को लेकर? और जैसे बाबा जी ने कहा कि बहुत जल्द उसको जो ऑनलाइन गुरुकुल है उससे पहले रिलीज करने की तैयारी है आपकी, तो आपकी क्या स्टडी है और आपने क्या डिटेल स्टडी करी है किस तरह से, क्योंकि आप डायरेक्शन देते नजर आएंगे, आप फिल्म में एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे तो जो पापा बताएंगे मैं तो वही करूंगी, पापा ने पूरी स्टडी कर रखी है, जो स्टोरी साथ साथ पापा बनाते रहते हैं तो उसके मुझे हर सीन की डिटेल बताते रहते हैं कि मुझे हमें ये चाहिए इस सीन के अंदर, हमें ये चाहिए, तो उसको मुझे फिल्माना है, मुझे डिटेल तो पापा देंगे। बाबा जी आपके सामने रितेश, बाबा जी आपके सामने रितेश ईटीवी से। हाँ जी, हाँ जी सर, आपसे सवाल है कि बाबा रामदेव की तर्ज पे आप भी कुछ प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आपके भी कुछ प्रोडक्ट्स आ गए, तो क्या आने वाले कल में एमएसजी एक वेंचर करेगा बिजनेस मॉडल में भी इस तरह? इसके पीछे एक छोटी सी बातें हैं, हम आपको जरूर बताना चाहिए, क्योंकि फकीर हैं और सच बोलते, कभी झूठ लाइफ में नहीं बोला। हमने एक बार मसाला मंगाया, मिर्ची था, गर्म मसाला था, शायद हल्दी थी बच्चियों के लिए, तो हमें अचानक हमने उसको खाया तो अभी खा रहे थे स्मेल आई, तो हमने कहा चलो इसको आप चेक करवाते हैं, हमने शायद वो दिल्ली से या हैदराबाद से उसको चेक करवाया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मिर्ची में ईंटों का बुरादा था, जो ईंट का गेरुआ होता है वो था, और जो मसाले थे उनमें गधे घोड़े की लीद मिली। तो बड़ा दर्द हुआ कि यार ये क्या हो रहा है, तो हमने कुछ बिजनेस लोगों मैन लोगों को कहा कि क्या आप ये चीज़ें बना सकते हैं, वो कहते गुरु जी बनाएंगे, हमने कहा पर एक ही शर्त होगी प्योर। तो वहाँ फैक्ट्री शुरू हुई, फूड फैक्ट्री, सबसे पहले बहुत साल हो गए उसको, शायद 10-12 साल हो गए होंगे, तो उसमें ये चीज़ें बनाई गई और उसका चेक करवाया गया, तो बिल्कुल कल भी प्योर थी आज भी। फिर जब ये चीज़ें आई, हम यहाँ मुंबई में रुके MAG 1 और MAG 2 के टाइम, तो हमने कहा भाई हमें ऑर्गेनिक चाहिए, क्या यहाँ मिल सकता है? ऑर्गेनिक का मतलब जिसमें खाद स्प्रे नहीं होता, महंगा नहीं होता, महंगा तो नेचुरली क्यों होता है वो भी आपको बताएंगे, हम किसान भी हैं, एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट भी हैं। तो यहाँ लोगों ने बोला गुरुजी नियर टू ऑर्गेनिक कुछ ऐसा बोला हमें, तो हमने कहा अच्छा जो ऑर्गेनिक खेत है उसके पास वाले खेत से आया है, कि नियर टू ऑर्गेनिक का तो मतलब ये हो गया ऑर्गेनिक तो नहीं है, हमने कहा उसका तो कोई फायदा ही नहीं। तो ये लोगों ने, इधर के लोगों ने पूछा, छोटे से छोटे ने, बड़े से बड़े ने, गुरुजी ऑर्गेनिक होता क्या है और कैसा टेस्ट होता है? तो हमने 100 एकड़ आश्रम में ऑलरेडी ऑर्गेनिक कर रखा है, क्योंकि उसके लिए 4 साल लगते हैं, फसल नहीं आप ले सकते, माटी को जोतते रहना पड़ता है, खुली छोड़ना पड़ता है ताकि कीड़े मकोड़े खत्म हो जाए, 4-5 साल के बाद आप जब बोएंगे तब जाके वो ऑर्गेनिक माना जाता है, कि उसमें से खाद स्प्रे जो पहले से डल रही थी वो खत्म हो गई। तो हमने बिजनेसमैनों को इकट्ठे किया कि क्यों ना भाई, जब ये चीज है ही नहीं, तो अभी 6 महीने हुए हैं, तो MAG ऑल ट्रेडिंग कंपनी उन्होंने बनाई, बिजनेसमैनों ने, हमने कहा डेरा पूरी सपोर्ट करेगा, और वो कहते गुरु जी आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है, तो हमने कहा हम बनेंगे, लेकिन एक शर्त, तो हमने उनसे एफिडेविट लिख के लिया हुआ है, और उस एफिडेविट में लिखा है कि आप अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक रखेंगे, फर्स्ट क्वालिटी सेकंड क्वालिटी 3 चीजें वो लेके आ रहे हैं, इनमें मिलावट नहीं करेंगे, अगर आप मिलावट नहीं करेंगे तो हम टीवी पे जाके आपका प्रचार करेंगे, और अगर आप मिलावट कर दी तब भी प्रचार करेंगे आपके उल्ट, तो कि आपने मिलावट किया भाई आप मत लेना, हम वो वाले ब्रांड बेस्ड नहीं है कि यार कुछ करते रहो, हमने तो पैसा लिया और चलते बने, नहीं वो मतलब ही नहीं, हमने लिखा है और वो चीज़ हो रही है और उसकी इतनी डिमांड है, या मुंबई में भी वो जल्दी ही खुलने वाले हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है और वो इतना ज़्यादा अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि पहले हमने खाए वो चीज़ें और देखा कि हाँ ये तो वाकई ऑर्गेनिक है, तो वो चीज़ें ला रहे हैं, तो इस तरह हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा एक ही मकसद है कि आप लोगों तक आप जो खाएं वो स्वस्थ खाएं और स्वस्थ रहें। तो आपको दिया भी था शायद, इसीलिए दिए थे गिफ्ट, कि आप लोग भी जरूर बताएं, आप पत्रकार समाज, कि वो कैसा लगा आपको, कैसा था, ताकि अगर कुछ लगे तो हम इनको झट से बोलेंगे कि भाई ये क्या किया आपने। जी आप धर्मगुरु भी हैं और एक्टर भी हैं। जी 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 हम चाहते हैं कि एक मैसेज दें, क्योंकि क्या है हमारे देश में आगे एक्टिंग करके पैसा कमा के विदेश जाके वो लोग अपने कंट्री में जाके बोलते हैं हमको नेशन फर्स्ट, हमारी कंट्री के जो बड़े बड़े एक्टर हैं उन्होंने कभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि नेशन फर्स्ट, उन सब रिलीजन की बात नहीं करता हूँ, कास्ट की बात नहीं करता हूँ, किस धर्म के वो लोग, बट उन्हें भी आगे आके, क्योंकि देश सबसे पहले है, उन्होंने अपनी कंट्री में जाके कहा कि हमें नेशन फर्स्ट है, तो बाद में अपना जो है हमें कुछ कमेंट करना है। तो आप धर्म गुरु भी हैं और एक्टर भी हैं, आप जरूर हमारे बड़े बड़े एक्टरों को कहें थ्रू मैसेज कि भाई आप लोग ऐसा कोई कमेंट नहीं करते हैं, ये बहुत बुरा लगता है, हम जैसे लोगों को तो बुरा लगता है, तो हमारी
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके उनके लिए एक ऐसा मैसेज दें, भाई आप एक्टर भी हो और आप इस देश के बड़े बड़े एक्टर हो, आप पैसे कमाते हो, अंदर इंटरनली आप कभी भी ऐसा नहीं, देश के लिए कोई आपकी किसी की स्टेटमेंट नहीं आई है, ऐसा निवेदन। जी जी, चाहे कोई बड़ा एक्टर हो, चाहे कितना महान एक्टर हो, पर देश से बड़ा कोई नहीं होता। जिस देश की माटी में लोग खेल के बड़े होते हैं, उसको लात नहीं मारी जाती। अगर वो लोग यहां आके पैसा कमाते हैं और बाद में जाके हमारे देश को कहते हैं कि काफिरों का देश, हमें भी सुना, हमने भी वो स्टेटमेंट सुना है, ये तो सब काफिर थे जी, हम तो उनको पैसा कमाने गए थे जी, कईयों ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है, तो कम से कम उसके बाद तो उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए, जो कि भाई हमें तो पता ही नहीं था ये लोग ऐसे हैं, कम से कम ऐसा तो जरूर बोलना चाहिए तक। और हमें लगता है कि उनको ये जरूर कहना चाहिए, क्योंकि उनको लोग बहुत मानते हैं एज ए आइकॉन, यूथ के आइकॉन है वो। अगर वो यूथ को ये संदेश दें जो हमने बहुत बार दिया है, हम आपको गा के बता देते, वो दो लाइनें, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए, बूंद बूंद खून की अमरी देश के लिए, जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे देश के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो 175.19 करोड़ रुपए कमा चुकी है, अभी विदेशों में रिलीज हुई है, एक बार फिर बधाई, जोरदार तालियां हो जाए, और सक्सेस लगातार जारी है। बाप बेटी की जोड़ी ने अभी तक कमाल करके दिखाया, और फिल्म सुपर हिट ब्लॉकबस्टर एमएसजी द बोले लाइन हार्ट जी, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत चौथा स्तंभ जो चल के आया है। और हम हमेशा ही ये बात कहा करते हैं, किसी ने हमसे पहले भी पूछा था कि गुरुजी आप प्रमोशन के लिए कहाँ जाएंगे, हमने कहा हम तो आपके पास आ गए, हमारे लिए प्रमोशन का सबसे बड़ा जो तरीका हमें जो लगता है वो चौथा स्तंभ आप लोग हैं, और आपकी बहुत इज्जत हम हमेशा से करते आए हैं। और ये हम जरूर कहेंगे जो सच है कि हम ब्लड डोनेट करवाते हैं, हमारे नाम ब्लड रिकॉर्ड, जो ब्लड देने का रिकॉर्ड है, एक ही दिन में 77,770 यूनिट है सिर्फ एक दिन में, और उसमें ब्लड दिया जाता है ताकि आप अगर लिखेंगे तो कोई ऐसा रह ना जाए। सबसे पहले जो बिल्कुल गरीब है, धर्म क्या है, जात क्या है, कोई मतलब नहीं, उसको फ्री में है, थैलेसीमिया के मरीज उनको फ्री में है, आर्मी और पुलिस के जवान उनको फ्री में है, और चौथा स्तंभ आप जो मीडिया पर्सन उनको भी फ्री में ब्लड डोनेट वहां किया जाता है। आप यहां भी हैं, बस एक फोन कॉल कीजिए कि भाई मुझे ब्लड चाहिए, तो ये हो नहीं सकता कि हमारे लोग वहीं रह रहे होते हैं, वो झट से आके आपको ब्लड डोनेट करेंगे, आप ग्रुप बता दीजिए, और उसके बदले में कुछ नहीं लिया जाता। ये पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, सऊदी अरब में चल रहा है, दुबई में चल रहा है, यूएसए में है, इटली में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में, और वहाँ के लोग उनको बहुत बहुत प्रशंसा पत्र ही नहीं दे रहे बल्कि मेडल और ट्रॉफियां दे रहे हैं कि यार ये कौन लोग हैं जो भारत का नाम रोशन हो रहा है, ये भारत से आके हमें खून दे रहे हैं। तो हमारा खून सबके अंदर जा रहा है, और वो खून अच्छे जाएगा, बुरा तो जाएगा नहीं, और अच्छी चीज़ें होगी आने वाले टाइम में, ईश्वर ने चाहा तो। तो ये हमने आपको जरूर बताना था, क्योंकि आप लोग आगे बताएंगे तो कोई खून की वजह से ना मरे, ये हमने थीम लेके चले हुए हैं, कि बाकी तो ईश्वर ने बुलाना, वो तो किसको कहाँ बुलाता है उसकी मर्जी, लेकिन कम से कम कोई ये ना हो कि खून की कमी। तो ये आपके द्वारा माध्यम से हम बताना चाह रहे थे, बाकी आशीर्वाद आप सबको, बहुत बहुत आशीर्वाद, थैंक यू वेरी मच। कैन वी हैव फोटो सेशन गुरुजी, तो प्लीज चेयर्स को आप ले जाइए, प्रिंट मीडिया के लिए फोटो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अभी मीडिया से रिक्वेस्ट है कि उनका डाउन स्टेयर्स लंच ऑर्गेनाइज है, तो नीचे व्यवस्था की गई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लंच जरूर लें, और सभी से रिक्वेस्ट है